तो भाई थका हारा सैड क्यों बैठा हुआ हूँ यहाँ पे और क्या बोलना चाह रहा हूँ तो भाई सब लोगों का एक बार फिर से वेलकम है और आज आप सोच रहे होंगे कि मैं इतना थका हारा सैड क्यों बैठा हुआ हूँ यहाँ पे और क्या बोलना चाह रहा हूँ, क्या हो गया जो कहना चाहिए। बात यह है कि सब कुछ एक न्यू यूट्यूबर के लिए ये होता है कि एक अगर स्टार्टअप अच्छा मिल जाता है तो गाड़ी प्रॉपर ट्रैक पे चल रही होती है, बट अचानक से हमको इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं होती कि हमको क्या करना है, कैसे करना है, कौन सी वीडियो डालना है, कौन सी नहीं डालना है, जिसकी वजह से क्या होता है यूट्यूब जो है कम्युनिटी का गाइडलाइंस टाइप जो हमारे चैनल पे दे देता है, और जो कि मेरे चैनल पे भी अभी सेम हुआ और जो कि मैंने फेस किया है अभी। कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक जो है मेरे चैनल पे, पहली कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ चुकी है। अगर मेरे चैनल पे दो कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक और आ गई तो इट मीन्स कि यूट्यूब ऑटोमेटिकली जो है चैनल हमारा डिलीट कर देगा। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल पे आज बात करते हैं, देखता हूँ अगर मेरे से हुआ तो मैं कुछ आप लोगों को जानकारी देता हूँ। कोशिश करूँगा कि जो न्यू यूट्यूबर्स हैं उनके चैनल पे ये जो है कभी ना आए, जैसे कि मेरे चैनल पे आ रही है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले जो है मैं सारे न्यू यूट्यूबर्स हमारे जितने भी हैं उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि कंटेंट अपना ऐसा रखिएगा कि जिससे कि कोई भी इनकी जो यूट्यूब की जो चाइल्ड पॉलिसी है और कंटेंट है वो बिल्कुल क्लियर रहे आपकी, जैसे किसी भी चाइल्ड को या ह्यूमन को या एनिमल को किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो, सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है। मेरे चैनल पे जो स्ट्राइक आई थी उसका रीज़न बस इतना सा था कि दीपावली का समय था, तो हम लोग बाहर पे थोड़ा सा कोशिश कर रहे थे कि कुछ फ़नी करें, फ़नी वीडियो बनाएं, और हम लोग ने सारे कुछ मतलब उनकी गाइडलाइन हमने देखा था और समझा था, और इवन मात्र बात इतनी सी थी कि अनिने रोड में एक रॉकेट होता है जो दीपावली के टाइम पे सारे लोग यूज़ करते हैं, तो उसको जो है अनिने रोड में ले डाल के जो है जलाया था, जिसकी वजह से जो है, और वो शॉर्ट था, मैंने कोई लॉन्ग वीडियो नहीं डाला था उसकी, वो शॉर्ट वीडियो था, शॉर्ट में उसमें 9000 व्यूज़ भी आए थे फ्रेंड्स, यानी कि वायरल नहीं हुई थी, वायरल हुई थी 9000 व्यूज़ आने के बाद में। मैंने जब मॉर्निंग में देखा तो उसकी वजह से जो है पहले मुझे वार्निंग आई तो मैंने 9000 व्यूज़ को ना देखते हुए मैंने डायरेक्टली जो है वीडियो मैंने डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद मुझे जो है शाम को मेल आता है कि आपके जो चैनल पे है कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक 1 आ चुकी है, जिसकी वजह से जो है आप 7 डेज तक आप ना कोई वीडियोज़ डाल सकते हैं, ना कोई पोस्ट कर सकते हैं, ना ही कोई शॉर्ट वीडियो डाल सकते हैं। तो बहुत सीरियस वीडियो बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो मेरे हिसाब से जो है अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब जो है अब मैं आ गया वापस, अब कोई टेंशन वाली बात नहीं भाई। तो चलिए फ्रेंड्स एक बार आते हैं एक मोबाइल की स्क्रीन पर, देखते हैं कि हमने कौन ज्यादा पाप किए थे जिसकी वजह से यूट्यूब वालों ने हमारे साथ मेरे अत्याचार किए हैं, है ना। तो स्क्रीन जो है वो बाजू में आप देखिए कि क्या लिखा हुआ है। इनकी 3 गाइडलाइन है कम्युनिटी स्ट्राइक, मगर ये भाई चैनल बंद कर देंगे, सीधी बात है समझ लो। इसमें सीधा लिखा हुआ है, हमने आपको वार्निंग दे दी, ठीक है हमने ले ली, कोई दिक्कत नहीं, हमने मात्र एक छोटा सा फनी वीडियो डाला था। वीडियो क्या था यहाँ पे आप देखिए, जमीन का रॉकेट और स्माइल, मतलब हमारे दिल में पाप नहीं है, हमने फनी वीडियो डाले थे, इनको पता नहीं कौन सा चमूने लग गए। अब भाई मैं क्या करूँ, इतने दिन बाद आया हूँ, इतने फ्रस्ट्रेशन है अंदर, इतना कुछ बोलना है आप लोगों को, पता है 7 दिन 7 साल के बराबर बीते हैं, मैं शॉर्ट वीडियो डालने के लिए तरस गया, कौन मैंने सोचा नया चैनल बना लूँ 7 दिन के लिए। फिर अनी ने मना किया मुझे कि नहीं एक ही चैनल पे फोकस करना है, इसी को ग्रो करना है, इसी को करना है, मैंने बोला चल ठीक है भाई। तो ये जो आप देख रहे हैं जमीन का रॉकेट मार, इसमें बात इतनी सी थी कि अनी ने एक रॉकेट जो लिटा के छोड़ दिया था, मैंने पहले बता चुका हूँ, उससे किसी को कुछ नुकसान नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, रॉकेट अपना जला सीधा गया, किसी की बीप में नहीं लगा, कुछ नहीं हुआ कसम से,
नहीं लगा। लेकिन भाई पता नहीं कौन सा ऐसा पाप हो गया मेरे से या अनिल से कि जिसकी वजह से तुमने कम्युनिटी गाइडलाइन स्टार्ट किया। तो चलिए फ्रेंड, इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। एंड करते जाते जाते मैं आप लोगों से ये बोलूंगा कि ये जो वीडियो थी, मैं ये बताने आया था कि अपने जितने भी न्यू यूट्यूबर्स भाई लोग हैं या भाई लोगों की बहन लोग हैं, तो ऐसी गलती कभी ना करें कि जिससे कि जो मैंने प्रॉब्लम फेस की है वो आप लोगों को करना पड़े। जमीन का रॉकेट कभी मत जलाना, ऐसी कोई काम मत करना कि जिससे कि है किसी भी ह्यूमन बीइंग एनिमल और चाइल्ड को, चाइल्ड पॉलिसी जो भी है उनको कोई भी नुकसान हो। साथ ही साथ कुछ और पॉइंट्स हैं जिसके बारे में जो है मैं अगर बात बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, मैं ज़्यादा देर बोर नहीं करना चाहता हूँ आप लोगों को। न्यू यूट्यूबर्स के लिए बस इतना ही कहूँगा कि भाई सारे लोगों को गुड लक, मुझे आप लोग गुड लक कर दो चैनल को सब्सक्राइब करके, और कम्युनिटी गाइडलाइंस अच्छे तरीके से पढ़ लेना कि क्या पॉलिसी है क्या है। कोशिश करना कि कम्युनिटी गाइडलाइंस टाइम जो है आप लोगों के चैनल पे कभी ना आए, ऐसा कोई काम मत करना जो मैंने फेस किया 7 days। ट्रस्ट करना मेरे ऊपर कि ये जो 7 दिन थे वो 7 साल से कम नहीं थे फ्रेंड, एक एक दिन बहुत मुश्किल से कटा है। और दूसरी चीज़ ये बोलूँगा कि कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक जो है ये 7 दिन के लिए आपका यूट्यूब चैनल जो है टोटल बंद हो जाता है। बंद इन द सेंस ना ग्रोथ होगी चैनल की, ना कोई सब्सक्राइबर होगा, ना वॉच टाइम बढ़ेगा, ना कुछ होगा। और एनालिटिक्स के जो हर चीज़ के जो बार्स हैं जो आपको यूट्यूब में देखते होंगे तो वो हर तरीके से डाउन होगा। जो जैसा कि अभी मैंने अपना चैनल का जो एनालिटिक्स देखा है तो काफ़ी ज़्यादा वो डाउन हो चुका, जो 90 के अबव चलता था वो अब 20 के भी नीचे है। तो ये मेरे लिए बहुत एक मतलब डीमोटिवेट मैं खुद से हूँ, लेकिन मैं आप लोगों का सपोर्ट रहेगा कभी डीमोटिवेट नहीं होऊंगा। और साथ ही साथ ये भी बोलूँगा जो मैं बता रहा था कि ये जो कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक होती है इसके 7 days के लिए आपका टोटल यूट्यूब चैनल जो है वो बंद हो जाता है। बंद इन द सेंस ये होता है कोई सर्च करेगा बिल्कुल बाकायदा शो होगा, नो डाउट। वॉच टाइम इसमें नहीं बढ़ेगा, चैनल में सब्सक्राइबर नहीं होंगे, सारी चीज़ें बिल्कुल टोटल जो है स्टॉप हो जाएंगी फॉर 7 days। और अगर ये स्ट्राइक 8वें दिन से जो स्ट्राइक हट जाएगी 90 दिन मतलब 90 days के लिए स्टिल वो कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक रहेगी, और इस बीच में अगर आपकी 2 और स्ट्राइक अगर एनी रीजन से आ जाती है जब आप 8वें दिन से वीडियो डालते हैं तो आपका जो यूट्यूब चैनल है वो 100% यूट्यूब की तरफ से जो है वो बंद कर दिया जाएगा, डिलीट कर दिया जाएगा। जो कि जो भी आपने सब्सक्राइबर इतने दिनों में गेन किए होंगे इतनी मेहनत से वो एक बार नहीं सोचेगा यूट्यूब, और आपका चैनल जो है बिना कुछ सोचे समझे डिलीट कर दिया जाएगा। तो कम्युनिटी गाइडलाइन आने से बचें और ऐसा कोई भी वीडियो ना डालें जिससे कि किसी को भी इफेक्ट हो, या कुछ किसी को सेक्सुअल कंटेंट ना डालें, चाइल्ड को ऐसी कोई वीडियो ना पोस्ट करें जिससे कि किसी भी ह्यूमन को या एनिमल को। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि न्यू यूट्यूबर्स का जो भी एफर्ट रहता है वो मुझे पता है कि कितना एफर्ट करना पड़ता है उसमें एक वीडियो को बनाने के लिए। तो मेरे तरफ से सारे न्यू यूट्यूबर्स को पहले तो मैं गुड लक बोल लूँ अपनी तरफ से, और प्लीज़ ऐसी गलती कभी मत करना जिससे कि आपका लॉस हो। और इस वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। प्लीज़ जाते जाते चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और छोटा सा एक घंटा आ रहा होगा उसको दबा दीजिएगा जिससे कि जो भी नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप लोगों को पहुंचे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।